अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में एक बहुत ही मज़े का डिज़र्ट रेडी करने जा रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। सबसे पहले हमने एक बाउल में ली है 2 टेबलस्पून मिल्क पैक की फ्रेश क्रीम। इसमें हमने ऐड किया है 1 टेबलस्पून कटिंग किया हुआ पिस्ता। 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे शुगर पाउडर और 2 टेबलस्पून हमने इसमें ऐड किया है नीडो का खुश्क दूध। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक साइड पे रख देंगे। अब हम ब्रेड के स्लाइसेस लेके उनके किनारे कटिंग कर देंगे। इसी तरह से हम 8 स्लाइसेस के किनारों को कटिंग कर लेंगे। अब हम इस तरह से इसको सेंटर से कटिंग करके स्क्वायर शेप में सबको रेडी कर लेंगे। ब्रेड के तमाम स्लाइसेस यहाँ पे कटिंग हो चुके हैं, अब हम इनकी फिलिंग कर लेते हैं। अब जो फ्रेश क्रीम और खुश्क दूध वाली फिलिंग हमने रेडी की थी, वो 1/2 टेबलस्पून हम इस पर इस तरह से लगाएंगे और दूसरे पीस को हम इस तरह से ऊपर रखेंगे। इसी तरह से हम तमाम को रेडी कर लेते हैं। ये तमाम रेडी हो चुके हैं, अब हम इनको ऊपर से कवर कर देंगे ताकि ये ड्राई ना हो। अब हम कस्टर्ड रेडी कर लेते हैं। कस्टर्ड रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 लीटर दूध। इसे हम इतना पकाएंगे कि ये 1 लीटर रह जाए। 2 से 3 अदद हम इसमें सब्ज़ इलायची ऐड करेंगे और 4 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे लिया है 2 टेबलस्पून भरकर वनीला कस्टर्ड पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 टेबलस्पून ठंडा दूध। दूध हमने वो 2 लीटर में से ही थोड़ा सा बचा के रख लिया था, वो इसमें ऐड करके अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे। अब हम इसे दूध में ऐड करते जाएंगे और साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे। दूध में ऐड करने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट पकाएंगे और साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे। इसे हमने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए। 2 से 3 मिनट पकने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कटिंग किए हुए बादाम। बादाम ऐड करके हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जो ब्रेड के पीसेस हमने रेडी किए थे उनको हम सर्विंग ट्रे में इस तरह से थोड़े थोड़े फासले पे अरेंज करेंगे और गरम गरम कस्टर्ड को हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इन पे डालते जाएंगे और इन सबको हम अच्छी तरह से कस्टर्ड के साथ कवर कर देंगे। कटिंग किया हुआ पिस्ता और साथ में गुलाब के फूल की पत्तियां लेके हमने इस तरह से इसको डिक्योर कर लिया है। आप चाहें तो फूल की पत्तियों की बजाय कोई सी भी स्ट्रॉबेरी जेली लेके लगा सकते हैं या फिर आप फ्रेश स्ट्रॉबेरी लेके उसको भी कटिंग करके ऊपर सजा सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको ये झटपट सी बनने वाली मज़ेदार सी रेसिपी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।